प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की एक दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इटली में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने इटली से रवाना होते वक्त सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाए और आने वाली की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाए।